तो उनको ये लगा कि यार ये कांग्रेस बीजेपी हमारे को अच्छा कुछ दे रही है, अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को अपने आप में शामिल किया और शामिल करने के बाद समाज का सत्यानाश किया। बीजेपी चरम सीमा पर बढ़ेगी उतना ज़्यादा बहुजन समाज अपने जागृति बढ़ेगा। ये बीजेपी का पीक पॉइंट चल रहा है कि हम तो बाबा साहब की तरफ है, लेकिन उंगली तो किसी और की तरफ है, हैं तो बाबा साहब की तरफ। SC ST के जो विधायक मंत्री बन रहे हैं, एक की भी आवाज़ नहीं निकल रही संसद के अंदर, एक की आवाज़ निकल रही विधानसभा के अंदर, तो किस बात का है? ये वही पत्थल चाटने वाले लोग हैं, ये तमाम तरीके से अब पत्थल चाट रहे हैं, अब ये तल पे चाट रहे हैं। क्रांति तो संविधान का जब बचेगा, संविधान को मानने वाले लोगों के अधिकार बचेंगे, जब जाके क्रांति होगी, ना कि जय भीम करने से क्रांति होगी। तमाम लोगों को इस देश की तमाम जो व्यवस्था संविधान विरोधी है उसके खिलाफ हल्ला बोलना होगा। तमाम शोषित पीड़ित लोगों को इकट्ठा होकर खुद की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया, और इस समय पूरा देश बाबा साहब का जन्मदिन मना रहा है, और ऐसे में राष्ट्रीय झाड़ू मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयकुश लाखन जी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, आज देश जो है 132वां जन्मदिन मना रहा है, कितना बदला है बहुजन समाज? अगर बहुजन समाज के बदलने की बात करूँ तो आप देख सकते हैं विकास जी कि 132वें जन्मदिवस पर 10 लाख से ऊपर जन समूह पार्लियामेंट पर उबला है, और इतना ही जनसमूह इससे डबल संख्या में मुंह में उबड़ा है। तो ये बहुजन समाज जो है जाग रहा है, अपने अधिकार पहचान रहा है, आज इस सड़क पर है, इसे संसद मार्ग बोलते हैं, आज इस संसद मार्ग पर है। आने वाले समय के अंदर, मैं कुछ समय की बात कर रहा हूँ, अगर यही हाल इसी तरीके से बहुजन समाज के अंदर जागृति बढ़ती रही तो संसद मार्ग से लेके संसद के अंदर पहुँचने में समय नहीं लगेगा। क्या लग रहा है, लगातार इतने सारे लोग हैं लेकिन अभी भी राजनीतिक तौर पे देखें तो कहीं ना कहीं पिछड़ापन है, क्योंकि जो रिजर्वेशन और जो तमाम चीज़ें बाबा साहब ने दी थी, आपको नहीं लगता वो लोग जो उन्हें करना चाहिए था वो नहीं कर, उन तमाम जिनके ऊपर जो जिम्मेवारी थी करने की उन लोगों ने नहीं किया? ये बिल्कुल सच्चाई है, सब लोग अपने निजी स्वार्थ के कारण, जो बाबा साहब डॉक्टर ने संविधान दिया, संविधान के बाद अधिकार मिले, अधिकार मिलने के बाद हम लोग तो पिछड़े हुए लोग थे, तो उनको ये लगा कि यार ये कांग्रेस बीजेपी हमारे को अच्छा कुछ दे रही है, अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को अपने आप में शामिल किया, और शामिल करने के बाद समाज का सत्यानाश किया। काशीराम साहब बोलते थे कि ये कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खाली कर दो। आज आप देख सकते हो काशीराम साहब को बोला हुआ बिल्कुल सिद्ध साबित हो रहा है। काशीराम साहब ने यह भी बोला था कि जितना ज़्यादा बीजेपी चरम सीमा पर बढ़ेगी उतना ज़्यादा बहुजन समाज अपने जागृति बढ़ेगा, ये बीजेपी का पीक पॉइंट चल रहा है। इसके बाद कांग्रेस बीजेपी को, दोनों पार्टी को हम लोग पहचान चुके हैं, बाबा साहब के मूवमेंट के लोग पहचान चुके हैं। सापनाथ नागनाथ की पिक्चर आप लोगों के सामने, बिल्कुल एक सापनाथ एक नागनाथ, अब एक सापनाथ नागनाथ के पीछे एक दो मुआ सांप भी आ चुका है, जिसको अरविंद केजरीवाल बोलते हैं। वो दोनों तरफ है, वो बाबा साहब की बात तो करता है, बाबा साहब की फ़ोटो तो बड़े बड़े पूरे पंजाब के अंदर बोल दिया कि हर मतलब जो है स्कूलों से लेकर DM ऑफिस तक और थानों तक लगेगी, लेकिन बाबा साहब के संविधान की जो बात करें, अधिकारों की बात करें, आप देखते हो कि वहाँ पर पंजाब के अंदर SC ST Act पे हमला हुआ। SC ST Act आप देखा पंजाब के अंदर, उसके ऊपर कोई भी पार्टी बोलने के लिए तैयार नहीं है, ना वो कांग्रेस है। जिस समय हुआ उस समय SC का ही मुख्यमंत्री था, अब जो बाबा साहब की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बाबा साहब फ़ोटो लगा रहे हैं, अब वो आ गए हैं, लेकिन एक भी बार उन्होंने इसके ऊपर नहीं बोला। तो अम्बेडकर को तो पढ़ा रहे हैं ना वो स्कूलों में, स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं? स्कूल में पढ़ाने के बाद आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, लेकिन जो पढ़ने के बाद जो अधिकार मिलने हैं भाई, शिक्षा पढ़ने के बाद कहाँ जाएगा? नौकरियों में, नौकरियाँ खत्म कर रहे हैं। ठेकेदारी दिल्ली के अंदर, जिसमें खुद मुख्यमंत्री है, ठेकेदारी चरम सीमा पर है, तो क्या पढ़ाना चाहते हैं? वो ये पढ़ाना चाहते हैं कि हम लोग बाबा साहब की फोटो भी लगा रहे हैं, बिल्कुल लगा रहे हैं। वो आपने देखा होगा जॉनी लीवर का डायलॉग है कि हम तो आप ही की तरफ है, वो बोलता है कि हम तो बाबा साहब की तरफ है, लेकिन उंगली तो किसी और की तरफ है तो बाबा साहब की तरफ। आपकी कहावत भी है, वो कह रहे हैं वो एक ये जो समाज ऐसा है, आप कई बार अपने, मैंने आपकी स्टेटमेंट भी सुनी है, आप अपने बड़े बड़े जो अधिवेशन करते हैं उसमें बोलते हैं कि ये समाज तो पत्तल चाट के खुश रहता है। हाँ बिल्कुल सर, एक्चुअली क्या है ना, जो जिसकी बात आपने करी कि ये लोग जो SC ST के लोग जो पार्टियों के पद पे पहुंचे, SC के पद पे पहुंचे, हम लोग जो झूठन होती है ना, वो झूठन पहले मिलती थी तो वो लोग डोंगे में हलवा जैसे खीर बैठती है, तो वो खीर खा के खीर फेंक देते थे, तो हमारे लोग वो डोंगा उठाते थे,
और वो चाट लेते थे तो कई बार काजू आए थे गलती से, तो उनको लगता है कि आज हमने काजू वाली खीर खाई, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि आप झूठन में निर्भर हो। तो ये जो लोग हैं SC ST के जो विधायक मंत्री बन रहे हैं, एक की आवाज़ नहीं निकल रही संसद के अंदर, एक की आवाज़ निकल रही विधानसभा के अंदर, तो किस बात का है? ये वही पत्तल चाटने वाले लोग हैं, ये तमाम तरीके से अब पत्तल चाट रहे हैं, अब ये तल पे चाट रहे हैं। तो इसके अंदर अंतर कुछ नहीं है, अंतर सिर्फ इतना सा है कि ये लोग बाबा साहब के नाम को कैश कर रहे हैं। तो 131 सांसद भी तो हैं, 131 सांसद जो हैं वो पार्टी के पिट्ठू हैं, पार्टी के पिट्ठू कभी भी क्रांति नहीं, आवाज़ तो उठाते हैं, आवाज़ उठाना कि मजदूर दिवस पे बाबा साहब को याद कर लेना। आज आप समझ सकते हो कि प्रत्येक मंत्री यहाँ पूछा, प्रधानमंत्री पूछा है, बाबा साहब को पुष्प अर्पण कर रहे हैं, बाबा साहब के बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, लेकिन जय भीम करने से क्या क्रांति होगी? क्या क्रांति तो संविधान का जब बचेगा, संविधान को मानने वाले लोगों का अधिकार बचेंगे, जब जाके क्रांति होगी, ना कि जय भीम करने से क्रांति होगी। तो जितने भी नेता हैं कांग्रेस बीजेपी ने इनको जय भीम के ऊपर लगा दिया है, इनको बोलते देखो हम फोटो लगा रहे हैं, हम देखो आपको सिलेबस में पढ़ा रहे हैं, हम देखो पीछे हर जगह बाबा साहब की फोटो कंपल्सरी कर दी है, ये सिर्फ लॉलीपॉप है कि आप लोग चूस लो। करना क्या चाहिए? करना क्या चाहिए? करना सरकार को, अगर SC ST के जो लोग हैं उनको विरोध करना चाहिए। आपने देखा होगा एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट जो पार्लियामेंट बना चुकी है, अभी दिल्ली सरकार, दिल्ली में भी नहीं है, पंजाब में भी नहीं, देश की राजधानी में नहीं है। आप देखिए ना, जो केजरीवाल बोल रहा है कि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ, उसके 2016 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी संसद पास हो चुका है, उसके बावजूद भी एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट नहीं बन रही है, किसकी कमी है? अब वो SC ST के जो लालीपो चूसने वाले, जो मैं बोल रहा हूँ वो इसलिए बोल रहा हूँ कि अब उस पर बोलने के तैयार नहीं है, उन्हें मालूम भी नहीं है कि हमारे मुद्दे क्या है। उन्हें मालूम है कि बाबा साहब की जयंती बन रही है, बाबा साहब का मरण दिवस बन रहा है, बस वो उसी को लेकर सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है, लेकिन जहाँ अधिकारों की बात आती है वो टाइटा फिश है। अच्छा, लगातार संविधान में अमेंडमेंट होते जा रहे हैं, संविधान को ख़त्म भी किया जा रहा है, लेकिन खामोशी है चारों तरफ, कोई सड़कों पे नहीं उतर रहा है, क्या क्या समझे, क्या समझा जाए इस चीज़ को? नहीं, ऐसा नहीं है, तमाम लोग जागृति फैलाने में लगे हुए हैं, तमाम लोग अपने हक अधिकार को पहचानने में लगे हुए हैं, लेकिन सड़कों पर आप देखिए, प्रत्येक मुद्दे पर आज आप देखिए हैंड टू माउथ, जो आदमी रोज कमा रहा है, रोज खा रहा है, उसका आंदोलन जो है वो रोड से लेकर कोर्ट तक पहुँच रहा है। आपने नांगल वाला कांड देखा होगा, आपने हाथरस कांड देखा होगा, अरे पूरे वर्ल्ड लेवल पे जा रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं रोड पे नहीं उतर रहे? आपके जो बिल्कुल लास्ट पायदान के लोग थे उनके आंदोलन भी जो है वो रोड से लेकर कोर्ट तक हो रहे हैं, तो अब तो हर जगह हम लोग रोड से लेकर कोर्ट तक उतर रहे हैं। लेकिन समय समय की मांग है कि हमें एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर तमाम लोगों को, इस देश की तमाम जो व्यवस्था संविधान विरोधी है उसके खिलाफ हल्ला बोलना होगा। उसके लिए कोई भी, क्योंकि चौधराट कोई छोड़ना नहीं चाहता है, जिस कारण समस्या पैदा हो रही है। लेकिन लगातार जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये संविधानिक है गैर संविधानिक है? ये गैर संविधानिक है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, क्यों भाई? उन्होंने 2/3 बहुमत से सरकार बना रखी है, आपको लगता है कि वो सरकार बना के, क्योंकि संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि आप संविधान बनाकर, आप मतलब सरकार बनाकर 2/3 बहुमत से आप जो बिल पास कराएं वो कराएं, वो कानून रूप से मान्य होगा। अगर आपको लगता है कि समस्या है तो जिन लोगों के साथ हो रहा है उन लोगों को बड़े पैमाने पर अपनी सरकार बनानी चाहिए, या लोग जो उनके हितों की बात कर रही है उसके पास जाना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों की भी कमी है। तो होना क्या चाहिए फिर? होना ये चाहिए कि लोगों को इकट्ठा होना चाहिए अपने अधिकारों के प्रति, या तो वो किसी पार्टी जो उनकी आवाज़ उठा रही है, बुलंद कर रही है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो आपसे मेमोरेंडम में ये बात रखती है, डालती है, या तमाम शोषित पीड़ित लोगों को इकट्ठा होकर खुद की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। तो ये राष्ट्रीय झाड़ी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयकुश लाखन जी थे। लगातार आप इनके प्रोटेस्टों को देखते रहते हैं, और जिस तरीके से पूरी दिल्ली और पूरे देश में हर मुद्दे को लेकर, वो SC ST OBC का ही मुद्दा नहीं, चाहे वो जनरल का भी मुद्दा हो, लेकिन राष्ट्रीय झाड़ू मंच उसको उठाता है और रोड से लेकर कोर्ट तक शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज़ को वो पहुँचाता है। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट TV इंडिया।